सिंध असेंबली की 5 साल मुद्दत पूरी होने का मामला, अरकानी असेंबली ने इजलासों में गैर हाजिर रहने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पीपल्स पार्टी, जीडीए और तहरीक इंसाफ के अरकानी असेंबली ने गैर हाजिर रहने में माजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबली चांडियो से। जी बताइएगा गैर हाजिरी की वजह। हाँ जी, इन्होंने बताया तो नहीं है गैर हाजिरी की वजह, लेकिन जीडीए, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के ऐसे अराकीन है जिन्होंने सिंध असेंबली में ना आने का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिनमें सरे फहरिस्त पीपल्स पार्टी के मीर आबिद जिन्होंने हलफ लेने के बाद फिर सिंध असेंबली का रुख ही नहीं किया, उसी के नक्शे कदम पर अमल करते हुए पीपल्स पार्टी के एक अली नवाज महर हैं जिन्होंने कहा कि भाई मैं असेंबली में आया हूँ, अब दोबारा नहीं आऊंगा, और अब तक असेंबली ने उनकी शक्ल नहीं देखी। इसके बाद जो है इसकी पैरवी करते हुए जीडीए के राशिद शाह राजनी है जो सिर्फ 15 दिन 5 साल में सिंध असेंबली में आए, देखा देखी में जो है वो रमजान काजी जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि मैं अब क्यों आऊं क्योंकि वो भी नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी, जीडीए और तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने गैर हाजिर रहने में माजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया बाबली चांडियो, आपने अपडेट किया।